नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। यूपी के मिर्जापुर में 96 ब्लॉक के विजयपुर कोइरान बस्ती में 6 महीने पूर्व ही ग्राम प्रधान के द्वारा बनाया गया था रोड के बीचों बीच शिविर हुआ धराशाही। मिर्जापुर के विंध्याचल कई महीनों से बदबूदार पानी के बीच रहने को विवश विजयपुर कोइरान बस्ती के लोग। बताते चले कि 6 महीने पूर्व ही बनाए गए नाली निर्माण में लगे पाइपलाइन टूट गया है, जिसे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 3 गलियों का रास्ता होकर वहां आता है जिसे त्रिमुहानी कहते हैं। वहां आकर पानी रुक जाता है, पानी की कहीं निकास नहीं है। जहां पहले जाता था पानी की निकास होती थी, कुछ दबंग लोग पुलिया के नीचे माटी डाल दिए हैं। उनका कहना है कि जहां पानी जा रहा था वह उनकी जमीन है और वह उस जमीन पर पानी नहीं जाने देंगे। पेशा मिर्जापुर से सुधीर सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? राजेश यादव। क्या समस्या है ग्राम सभा का? ग्राम सभा पानी नहीं निकल पा होता, पानी परेशान है, नाली बहना से गता करता उसे। ये कैसे रुका हुआ है पानी? पानी रुका है ग्राम सभा, पानी रुका और जगह नहीं मिलता जाए विधि। ये पानी का निकास नहीं है? पानी बिल्कुल निकाल नहीं। तो ये सब पानी आके कहाँ रुक जा रहा है? यहीं पे रुक रहा है। तो इसके आगे नाली वाली बना हुआ है? नाली वाली कुछ बने नहीं हुआ, बस चारों तरफ से आके यहीं रुक रहा है। बस चारों तरफ से आके यहीं रुक रहा है। तो ये काफ़ी समय से रुका हुआ? काफ़ी समय से, 2-4 महीने से रुका है। 2-4 महीने से रुका हुआ है। तो इसकी शिकायत किसी से किए हैं आप लोग? अरे किससे करें हम लोग, कहाँ करे जाए।